हेलो गाइस, माय नेम इज़ अब्दुल वाहिद। आज मैथ के बारे में पढ़ेंगे। मैथ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, बीजगणितीय भाव। ये भाव क्या होता है जो एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हो और उसके साथ डिजिट लिखा हो, कोई अंक लिखा हो, कोई नंबर लिखा हो, उसको हम भाव कहते हैं। यानी टर्म में लिखा हो, सिंगल लिखा हो, है ना, ग्रुप में लिखा हो, उसको हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। देखिए, इसमें पढ़ेंगे हम कॉन्स्टेंट के बारे में। कॉन्स्टेंट क्या है? इसमें 3x+4 ये क्या है, ये एक टर्म लिखा हुआ है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। इसमें कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट 4 है और कांस्टेंट 3 भी है। क्या है? 3 और 4, 3 और 4। वेरिएबल क्या है इसमें? देखिए, इसे मान लेते हैं 4x+5y+6z। इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल उसको कहते हैं जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा हो, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इसमें वेरिएबल क्या है? 4x में वेरिएबल क्या है, 5y में वेरिएबल क्या है, 6z में वेरिएबल क्या है? देखिए, इसमें वेरिएबल है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा है ना ये, तो इसमें जो है वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड इसमें वेरिएबल है। टर्म, इसमें टर्म क्या है? देखिए, यही डिजिट ले रहे हैं, 4x+5y+6z। इसमें वेरिएबल क्या है, सॉरी, इसमें टर्म क्या है? टर्म ये 4x, ये एक टर्म है, 5y ये एक टर्म है, 6z ये एक टर्म है। यानी 4x, 5y, 6z ये अलग अलग टर्म है। ये क्या है? अलग अलग टर्म है, अलग अलग वेरिएबल लिखा है, अलग अलग नंबर लिखे हैं, डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट वेरिएबल है। तो ये जो है एक अपने आप में ये अलग टर्म है, और फिर अलग भी लिखे हैं, प्लस प्लस लगा है बीच में। फैक्टर क्या है? यही डिजिट ले रहे हैं, 4x+5y+6z। इसमें इसमें जो है वेरिएबल क्या है, सॉरी, इसमें फैक्टर क्या है? इसमें फैक्टर है 4 × x, ये एक फैक्टर हुआ, 5 × y ये अलग फैक्टर हुआ, 6z, 6 × z ये एक फैक्टर हुआ। देखिए, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ, वेरिएबल पर अगर पावर लगा है यानी एक्सपोनेंट लगा है, तो कैसे लिखेंगे उसको? जैसे मानते हैं 12a², कैसे लिखेंगे इसको? फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? यानी प्रोडक्ट ऑफ 12, ए पावर कितना है, 2 है, × a × a, ये फैक्टर फॉर्म में हो गया। ये क्या है? फैक्टर फॉर्म में है। कॉफिशेंट क्या है इसमें? ये डिजिट ले रहे हैं, 4x+5y+6z। इसमें कॉफिशेंट क्या है? इसमें 4x+5y+6z में इसमें कॉफिशेंट क्या है? कॉफिशेंट उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर, उसको हम क्या कहते हैं, कॉफिशेंट कहते हैं। जैसे इसमें कॉफिशेंट क्या है, 4x में कॉफिशेंट क्या है, 5y में, 6z में कॉफिशेंट क्या है? इसमें कॉफिशेंट है 4x में है 4, 5y में है 5, 6z में है 6। जो नंबर लिखे होते हैं किसी वेरिएबल के साथ, जो नंबर लिखे होते हैं, वही नंबर क्या होता है, कॉफिशेंट होता है। अगर इसके साथ अगर हम -1 कर दें, -x कर दें, तो क्या होगा? इसका कॉफिशेंट क्या होगा, x का -1 कॉफिशेंट होगा, क्या होगा, कॉमा -1। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस लगा दिए हैं, यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं लगाए हैं, तो यहाँ बेटा कुछ नहीं है, तो यहाँ इसके साथ क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है। प्लस शो नहीं किया जाता है एंड पॉइंट पर, प्लस शो नहीं किया जाता है, और ये कॉमा लिखा है, तो ये एक एक पॉइंट हो गया, एक एक डिजिट हो गया। इसके साथ जो है प्लस नहीं इंडिकेट करेंगे, माइनस अगर लिखा होता तो माइनस इंडिकेट करते, जैसे कि यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस इंडिकेट हम माइनस लिखेंगे। छाप लीजिए, एक्सप्रेशन होते हैं, यानी 3 टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। यानी एक अम्मा है, उसके 3 बच्चे हैं, यानी एक अम्मा है, एक उसके 3 बच्चे, एक है मोनोमियल, एक है बाइनोमियल, एक है ट्राइनोमियल।
यानी उस माँ के 3 बच्चे, एक बच्चा एक सब्जेक्ट में तेज है, दूसरा बच्चा 2 सब्जेक्ट में तेज है, तीसरा बच्चा 3 सब्जेक्ट में तेज है ना। यानी जो एक सब्जेक्ट में तेज है उसका नाम क्या है? मोनोमियल। जो 2 सब्जेक्ट में तेज है वो बाइनोमियल। जो 3 सब्जेक्ट में तेज है वो ट्राइनोमियल। देखिए मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक टर्म होता है। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होता है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होता है। देखिए क्या है 3x, ये क्या है? ये एक टर्म है। ये क्या है? ये एक टर्म लिखा है। बाइनोमियल क्या होता है? 3x प्लस 6y। ट्राइनोमियल क्या होता है? 6x प्लस 3y प्लस 2z। ये क्या है? 3 टर्म है। क्या है? 3 टर्म। यानी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल उसको कहते हैं जिसमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होता है, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होता है। लिख लीजिए। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए लाइक और अनलाइक टर्म देखते हैं। यानी किसके साथ एक्स लगा है, किसके साथ वाई लगा है, किसके साथ जेड लगा है ना। जो वेरिएबल है वो लाइक है कि नहीं लाइक है। जो अनलाइक होंगे वो उसे एक दूसरे से ऐड नहीं होंगे, जो लाइक होंगे वही ऐड होंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है? नंबर 1, 4x प्लस 6y कॉमा 6y प्लस 4z। अब देखिए इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। क्वेश्चन क्या है? 4x प्लस 6y कॉमा 6y प्लस 4z। इसको ऐड करना है। इसको ऐड कैसे करेंगे? यहाँ जो कॉमा लगा यहाँ प्लस लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे लाइक और अनलाइक टर्म। 4x प्लस 6y प्लस 6y प्लस 4z। अब देखिए इसमें लाइक कौन कौन से लाइक है, कौन कौन सा टर्म लाइक है और कौन कौन सा अनलाइक है। देखिए 4x कहीं और लिखा, 4x कहीं नहीं लिखा। इसको ऐसे उतार लेंगे 4x। ये क्या है? यहाँ ये क्या है? 6y प्लस 6y। 6y प्लस 6y कितना हुआ? 6 6 12 यानी 12y। 4z क्या है? 4z, 4z कहीं और लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। प्लस 4z। यानी इसमें क्या मैंने देखा? पहले लाइक टर्म देखा, उसके बाद जो लाइक है उसको क्या कर दिया? एक साथ जोड़ दिया, ऐड कर दिया। जो अनलाइक है उसको क्या किया मैंने? एज इट इज वैसे उतार दिया। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ये अपन का आंसर है 4x प्लस 12y प्लस 4z। ये आंसर है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 9y प्लस 6z प्लस 5 प्लस सॉरी कॉमा 9y प्लस 2y प्लस 2। इसको ऐड करिए, ऐड करना है इसको। 9y प्लस 6z प्लस 5, यहाँ क्या है? कॉमा है, तो इसको इसको जो हमें प्लस करना है 9y प्लस 2y प्लस 2। अब इसमें लाइक टर्म देखिए क्या क्या लाइक है। यहाँ क्या है? 9y है, और कहीं 9y लिखा है? सॉरी वाई वाई और किसके साथ लिखा है? यहाँ लिखा है वाई और यहाँ लिखा है वाई। यानी 9y प्लस 2y, 9 9 18, 18 2 20, यानी 20y। ये वाई वाई क्या है? ये सेम है ना, लाइक टर्म है ये। उसके बाद क्या देखेंगे? 6z लिखा है, यानी z कहीं और लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। प्लस 6z। अब क्या देखेंगे? प्लस 5 प्लस 2, यानी डिजिट, ओनली डिजिट है ना यहाँ पर, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो हमें जो है ऐसा देखना है कि और किसी ऐसे कोई ग्रुप में कोई और डिजिट ऐसा लिखा है जो जिसके साथ वेरिएबल ना लगा हो। हाँ, तो यहाँ लगा है, यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो क्या होगा यहाँ? 5 प्लस 2 यानी 7 होगा। आंसर तो अपन का क्या आया? 20y प्लस 6z प्लस 7।
यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम क्या देखेंगे, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, चाहे उसके साथ वेरिएबल लगे हों या ना लगे हों। वेरिएबल लगा होगा तो हम वेरिएबल को लाइक देखेंगे, डिजिट को नहीं, और अगर वेरिएबल नहीं लगे हैं तो खाली हम डिजिट देखेंगे, ऐसा कि इसके साथ वेरिएबल ना लगा हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिशन है तो एडिशन ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन देखते हैं। नंबर वन, 6y प्लस 6z कॉमा 3y प्लस 2z। बहुत ध्यान से देखिएगा सब्ट्रैक्शन वाला चीज, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। 6y प्लस 6z सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ कॉमा जो लगाया ना, यहाँ माइनस लगाएंगे और इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। 3y प्लस 2z, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर, यानी जो ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है उसके बाहर क्या लगा है, माइनस लगा है। पहले इसको ऐसे उतारेंगे, 6y प्लस 6z, यहाँ क्या लगा, माइनस, और यहाँ क्या है, प्लस। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, यानी 3y माइनस प्लस माइनस 2z। अब इसको जो है ब्रैकेट ओपन कर दिए, अब इसको देखिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, कौन कौन से लाइक हैं कौन कौन से अनलाइक हैं। यहाँ क्या लिखा है, 6y, और कहीं y लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है y, यानी 6y माइनस 3y, तो क्या होगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3, और y लिख देंगे y। 6z, और कहीं z लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यानी प्लस 6z माइनस 2z, क्या बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4z बचेगा, क्या बचेगा, 4z बचेगा। और एक चीज और ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, जो डिजिट बड़ा होगा, जो डिजिट बड़ा होगा उसके सामने जो साइन लगा होगा, वही साइन उसके साथ घटाने के बाद वही साइन लगाएंगे, यानी यहाँ 6 बड़ा है और 2 छोटा है, 6 के सामने क्या है, प्लस का साइन है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगाया। अगर ये बड़ा होता, इसके साथ कौन, इसके सामने कौन सा साइन है, इसके सामने माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस लगाते, लेकिन 6 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 6 वाला, 6 के सामने जो साइन लगा है वही हम लगाएंगे। समझ गया, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 9y प्लस 6z कॉमा, कॉमा नहीं लगाते, माइनस 2y प्लस 6z, माइनस है, क्या देखेंगे, लाइक टर्म देखेंगे। पहले लाइक देखिए, यहाँ क्या है, 9y लिखा है, यानी 9 के साथ क्या लिखा है, y लिखा है, और कहीं देखेंगे कि उस कोई कोई और एक ऐसा टर्म है जो जिसके साथ y लगा हो, यहाँ पर लगा है y, क्या करेंगे, 9y, सॉरी डायरेक्ट घटा देते हैं, 9 माइनस 2 क्या बचेगा, 7, यहाँ क्या लगा, y, y, y कॉमन है ना, तो y एक ही बार लिखेंगे, प्लस 6z प्लस 6z, यानी प्लस 6 प्लस 6 क्या होगा, प्लस 12 होगा, यहाँ z दोनों कॉमन है तो z एक ही बार लिखेंगे, ये अपन का आंसर हो गया, लिख लीजिए। फिर से देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, हम लाइक और अनलाइक टर्म देखेंगे, जो लाइक होगा उसके साथ प्लस करेंगे, उसके साथ माइनस करेंगे, जो अनलाइक होगा उसको एज इट इज वैसे उतार देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा ताकि उन तक भी वीडियो पहुंचे।